यार केसीएल ट्यूटोरियल में आज हम लोग लगभग सिलेबस खत्म कर चुके हैं सेकेंड ईयर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी, सेकेंड सेमेस्टर का भी। तो कुछ चीजें जो रह गई थी मैं उसकी बात करता हूँ। फार्मास्यूटिक्स जो है डी फॉर फर्स्ट ईयर का, एक्चुअल में जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय बहुत चैनल के बारे में हम सोचते नहीं थे, बस बच्चों को पढ़ाते थे और कभी कभी बच्चे मोबाइल से शूट कर लिया करते थे, तो जो वीडियोज भी है वो खराब क्वालिटीज की है और बहुत सारे कंटेंट सिक्वेंस से नहीं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा आज से फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के नाम से डी फार्मा की, और उसमें चैप्टर वन से लेकर सारे चैप्टर तक के वीडियोस, जो पुरानी वीडियो इसको मर्ज करूंगा और नई वीडियोस बना करके आपके सामने ले आऊंगा। तो उसमें चैप्टर नंबर वन था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म यानी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, नहीं बनाया था इसकी वीडियो। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते और आज से फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का श्री गणेश करते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर है। डोजेस फॉर्म क्या होता है इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि आपको दो चीज वर्ड आपको समझने होंगे, एक क्या होता है ड्रग और एक क्या होता है मेडिसिन। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। देखिए ड्रग क्या होता है फ्रेंड, एक ऐसा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दिस इज कॉल्ड API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जा करके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, यानी एक्चुअल में जो बीमारी को ठीक करेगा वो होता है API। और API के साथ जब हम क्या मिला देते हैं, व्हीकल समझते हैं या इसको एक्सीपिएंट समझिए, ठीक है। जब हम लोग क्या मिला देते हैं, एक्सीपिएंट क्या होता है, जो इस ड्रग को स्टेबल बनाए, स्टेबल बनाए से कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग बल्क, डाइल्युएंट, टाल, ये सब मिलाते हैं ना, ताकि टैबलेट का थोड़ा सा बल्क बन जाए और टैबलेट खाने योग्य हो जाए। तो जब किसी भी ड्रग को हम API को व्हीकल या एक्सीपिएंट के साथ मिला देते हैं, फिर इसका नाम क्या हो जाता है, मेडिसिन। बात समझ आ रही है, यानी एक ड्रग क्या है, केवल API जो बॉडी के अंदर एक्शन करेगा। लेकिन हम कभी भी ड्रग नहीं खाते, हम अकेले API नहीं खाते, हम उसके साथ कुछ व्हीकल या कुछ एक्सीपिएंट के साथ खाते हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, इसके फॉर्म में लेते हैं। तो वो जो एक्सीपिएंट के साथ जब मिल जाता है ड्रग, तो क्या बन जाता है, मेडिसिन। यानी ड्रग इज इक्वल टू ओनली API एंड मेडिसिन इज इक्वल टू API प्लस एक्सीपिएंट। यानी हम लोग जो मेडिकल स्टोर में बिकता है वो मेडिसिन बिकता है, ना कि ड्रग बिकता है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। लेकिन जो कंपनी जब खरीदती है दवा बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल, तो वो API खरीदती है, यानी वो ड्रग खरीदती है। क्या खरीदती है फ्रेंड, ड्रग। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म को इस तरह समझिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल। डोजेस फॉर्म क्या है, इसे व्हीकल क्या है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको कोई एक आलू दे देता हूं, अब मैं आपको आलू दे दूं, मैं आपसे कहूं कि इस आलू को आपको खाना है, यानी वो आलू जो है आपकी दवाई है या मेडिसिन, अब आपको खाना है। तो अब आप आलू को किस किस तरीकों से खा सकते हैं, उस आलू को मैदे के अंदर भर के छान के खाएंगे तो उसका नाम समोसा, खाया तो आपने आलू। उस आलू को आटे के अंदर गूंथ करके सेक करके खाएंगे तो हो जाएगा आलू का पराठा, खाया तो आपने आलू। उस आलू को बेसन में लपेट कर खाएंगे तो बन जाएगा पकौड़ी, आलू बंडा या बड़ा, वो हो गया, वो भी आपने आलू खाया। उसी तरह से अलग अलग गोझा बना करके या अलग अलग तरीके से या किसी और के साथ मिला, चटनी के साथ मिला करके आप आलू खा लिया, तो आलू ही आप खा रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से खा रहे हैं। ये जो अलग अलग तरीके हैं ना, समोसा, परेठा, आलू बड़ा, ये सब क्या है, आलू के डोजेस फॉर्म है। उसी तरह से जब हम कोई मेडिसिन अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं या जब कोई मेडिसिन हम खाते हैं, तो उस मेडिसिन को किस अवस्था में, किस रूप में खा रहे हैं, यानी किसकी सहायता से खा रहे हैं, वो उसका जो व्हीकल है, व्हीकल के साथ खा रहे हैं, तो वो हमारा अलग अलग डोजेस फॉर्म कहलाता है। डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि दवा की वह अवस्था जिस रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी डोजेस फॉर्म इज दैट फॉर्म ऑफ ड्रग इन विच फॉर्म वी रिसीव्ड या वी टेक द ड्रग विद द व्हीकल, जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दवा को ग्रहण कर रहे हैं। आप इस तरह समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि चाय लेकर आओ, अब आप चाय या तो कप में लेकर आएंगे या चाय ग्लास में लेकर आएंगे या चाय कुल्हड़ में लेकर आएंगे या चाय पन्नी की पाउच में लेकर आएंगे। तो लाए तो आप चाय ही हैं, लेकिन कुल्हड़, ग्लास, पाउच, ये सब जो है वो उसके अलग अलग तरीके हैं। तो कुल्हड़ में लाएंगे तो अलग डोजेस फॉर्म है, पन्नी में लाएंगे तो अलग डोजेस फॉर्म है, और प्लास्टिक के कप में लाएंगे तो अलग डोजेस फॉर्म है, स्टील कप में लाएंगे तो अलग डोजेस फॉर्म है। बात समझ में आ गई है। उसी तरह से हमारी जो दवा है, उस दवा को हम किस रूप में शरीर के अंदर ले जा रहे हैं,
किस रूप में, वो रूप कहलाता है हमारा डोजेस फॉर्म। अब ये रूप जो व्हीकल है वो अलग अलग हो सकता है, हो सकता है वो व्हीकल सॉलिड हो, ठोस के रूप में ले जा रहे हो सकता है वो जो व्हीकल है यानी जो जो आपका ले जाने वाला कैरिंग एजेंट वाहक है वो सेमी सॉलिड हो, मतलब पेस्ट के फॉर्म में हो, या हो सकता है वो लिक्विड के फॉर्म में हो, या हो सकता है वो गैस के फॉर्म में। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपने ले लिया हल्दी। अब जो जो हल्दी है ये टर्मरिक है। अब ये हल्दी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अब इस हल्दी को हमको खाना है, तो अगर इस हल्दी को हम किसी पाउडर में, पाउडर मान लीजिए हमने ले लिया चीनी, तो हमने शुगर ये पाउडर ले लिया और शुगर के अंदर इस हल्दी को मिलाया, चम्मच से मिलाया और खा लिया, तो अब शुगर जो है वो सॉलिड सॉलिड व्हीकल के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, दिस इज सॉलिड डोजेस फॉर्म। किस फॉर्म में है ये? सॉलिड डोजेस फॉर्म। समझ में आ गया? क्यों इसका नाम रखा सॉलिड डोजेस फॉर्म? क्योंकि जो ड्रग है, जो हम हल्दी खा रहे हैं, जो ड्रग है वो किसके द्वारा अंदर जा रहा है? वो किसी सॉलिड पाउडर के साथ जा रहा है। तो जो व्हीकल है वो पाउडर है, और व्हीकल के बेसिस पे यानी ग्राहक यानी वाहक के बेसिस पे जिसके द्वारा ड्रग अंदर जा रहा है उसका नेचर जो होगा वही नेचर हमारा डोजेस फॉर्म का होगा। अगर इसी हल्दी को मेरे पास मुझे इसी हल्दी को हम देसी घी ले ले और देसी घी में मिलाकर फेर दे और चम्मच से खा ले, तो हल्दी तो बॉडी के अंदर गई लेकिन किसके साथ गई? देसी घी। देसी घी कैसा होता है? पेस्ट की तरह होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बात समझाना है कैसे? बस ये आपको समझना है कि किस बेसिस में हम इसको अंदर ग्रहण कर रहे हैं, दिस इज सेमी सॉलिड। अब उसी हल्दी को, एग्जांपल आपको हल्दी का लिया, उसी हल्दी को क्या करिए, आप एक गिलास पानी ले लीजिए या दूध ले लीजिए, अब दूध में मिलाइए और हल्दी को पी जाइए, फिर भी हल्दी आपके बॉडी में जाएगा, तो क्योंकि अब पानी की सहायता से जा रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड डोजेज फॉर्म। समझ आ रहा है? यानी ये डोजेस फॉर्म कैसे डिसाइड हो रहा है कि किस व्हीकल के द्वारा हम इसको रिसीव कर रहे हैं। और अगर उसी हल्दी को हम क्या करें, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन किसी भी गैस के साथ उसको मिक्स कर दे और गैस की तरह उसको पी, तो वो हो जाएगा हमारा गैसियस डोजेस फॉर्म। मैंने आपको यहाँ पे हल्दी का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हल्दी आपके घर में कॉमन है और आपने किसी न किसी रूप में इसको खाया होगा, सब्जी में डाल खाते हैं, दाल डाल खाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपने खाया होगा, तो उसी के बेसिस पे उसी प्रकार से मैंने आप समझ में आ गया, उसी प्रकार से जो हमारा मेन ड्रग है, जो हमारा मेन ड्रग है उसको हम क्या करते हैं, व्हीकल के साथ मिलाते हैं और व्हीकल के साथ खाते हैं। अगर वो व्हीकल सॉलिड नेचर का है तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, अगर वो व्हीकल हमारा सेमी सॉलिड है यानी पेस्ट के फॉर्म में है तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, अगर वो व्हीकल लिक्विड है, दूध है, पानी है, तेल है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म, और अगर वो व्हीकल गैसेस फॉर्म में है तो वो गैसेस डोजेस फॉर्म। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कि जो डोजेस फॉर्म होते हैं फ्रेंड वो कितने प्रकार के होते हैं, दिस इज इट इज ऑफ फोर टाइप्स। अब आपको मेरे ख्याल से चीजें याद हो गई होंगी कि चार प्रकार के डोजेस फॉर्म क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि सॉलिड के साथ है तो सॉलिड, लिक्विड आपका सेमी सॉलिड और गैस। अब हम ये क्या कह सकते हैं कि हम इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म है इसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिट, ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, एक है यूनिट डोजेस फॉर्म, या हम इसको पूरा कह सकते हैं यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक होता है बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म। देखिए यूनिट मतलब कि जो ठोस चीज है आप एक पीस खा रहे हैं, यानी एक पीस खा रहे हैं तो वो यूनिट, और ढेर सारा निकाल के चम्मच या कटोरी में या हाथ में खा रहे हैं तो बल्क। यानी अब आप इसको समझिए कि जो सॉलिड चीज आप ले रहे हैं, अगर आप जैसे कि मैंने आपसे कहा हल्दी आपको खाना था तो हल्दी सॉलिड में कैसे खा सकते थे आप? एक कटोरी चम्मच में चीनी लाते और चीनी में क्या मिलाते, हल्दी एक चम्मच, और मिला के खा लेते, तो क्या उस कटोरी में एक चीनी थी? नहीं, वो क्या है, बल्क है। लेकिन अगर आप एक बतासा लीजिए, जानते हैं बतासा क्या होता है, जो चढ़ता है भगवान को सफेद रंग का, उस बतासे को फोड़िए, उसमें हल्दी डालिए और एक बतासा अंदर खा लीजिए, अब आपका जो हल्दी है वो एक बतासे के साथ अंदर गया, तो वो एक क्या है, यूनिट है। यानी जब एक डोज के फॉर्म में हो तो यूनिट डोजेस फॉर्म, और ढेर सारा हो तो बल्क। अब यूनिट के एग्जांपल दो होते हैं फ्रेंड, एक होता है टैबलेट और दूसरा होता है कैप्सूल। ये आपको याद रखना है कि टैबलेट और कैप्सूल हमेशा आप एक बार में एक खाते हैं या दो तीन जो भी खाएंगे, लेकिन एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में आता है, वो ऐसा नहीं होता किलो के भाव में आएगा या फिर मात्रा में आएगा, वो हमेशा यूनिट में आता है। तो टैबलेट और कैप्सूल क्या यूनिट है, और बाकी इसमें आ जाओ तो प्रोटीन पाउडर जो होता है, आप देखिए कभी पाउडर को गिनते हैं क्या,
कि डॉक्टर आपसे बोलता है कि भैया कहेगा एक चम्मच खा ले, दो चम्मच खा लेना, ये थोड़ी कहेगा कि एक पाउडर दो पाउडर खा लेना। तो पाउडर हो गया या डस्टिंग पाउडर हो गया, पाउडर या डस्टिंग पाउडर, ये दोनों जो है ये सब हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यूनिट में और बल्क में। तो यूनिट है टैबलेट एंड कैप्सूल और बल्क है हमारा पाउडर एंड डस्टिंग पाउडर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपको क्या आता है, अब आपका इसमें क्या आएगा, जेल आएगा, पेस्ट आएगा, ऑइंटमेंट आएगा, ठीक है, क्रीम आएगा, लोशन आएगा, लिनीमेंट आएगा और सपोजिटरी आएगा, ठीक है। तो ढेर सारे हैं, इसके हम बारी बारी से बात करेंगे। जेल है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, लोशन है, लिनीमेंट है और सपोजिटरी, ठीक है। तो इन सब पे बात करेंगे, ये सब किसकी एग्जांपल है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी फ्रेंड दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, लिक्विड ध्यान समझिएगा। एक होता है मोनोफेजिक, मोनोफेजिक एडीएफ यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म, एंड द सेकेंड वन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक का मतलब जिसमें एक ही अवस्था दिखाई दे, आपका व्हीकल और ड्रग आपस में इस तरह मिल जाए कि हमको एक ही चीज दिखाई दे, और बाईफेजिक में व्हीकल और ड्रग इस तरह मिले कि दोनों अलग अलग दिखाई दे। इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे आप चीनी को पानी में घोल दीजिए तो चीनी पानी अलग अलग, एक व्हीकल एक ड्रग, लेकिन घुलने के बाद हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा। लेकिन अगर आप वही हल्दी को पानी में घोल दीजिए तो पानी अलग दिखेगा, हल्दी अलग दिखेगा, तो बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है सिरप एंड सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सिरप एंड सोल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और बाईफेजिक का जो एग्जाम्पल है वो है इमल्सन एंड सस्पेंशन। आपको क्लासिफिकेशन एग्जाम में कई नंबर का पूछता है, तो क्लासिफिकेशन तो आपको तगड़ा याद होना ही चाहिए। तो इमल्सन और सस्पेंशन बाईफेजिक फॉर्म है, उसमें दो अलग अलग फेज दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे गैसियस डोजेस फॉर्म में, तो गैसियस डोजेस फॉर्म में हमारे हैं इनहेलर। देखिए आपने देखा होगा जो लोग पेशेंट होते हैं अस्थमा के, ऐसे ऐसे करके इनहेल करते हैं ना, इनहेलर होता है बेसिकली ये हमारे जो होते हैं, या एक होता है एरोशॉल, ठीक है, एरोशॉल और इनहेलर जो होते हैं ये हमारे गैसियस डोजेस फॉर्म है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं जो सांस को खींचने के लिए पंप यूज करते हैं वो एनेस्थेटिक। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में इन सभी डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी इंट्रोडक्शन क्या है, टैबलेट का क्या है, कैप्सूल का क्या है, पाउडर का क्या है, और जेल का क्या है, पेस्ट का क्या है, ऑइंटमेंट का क्या है, एरोसॉल का है, सिरप का, इमल्सन का, सस्पेंशन का, इन सब का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पढ़ना है, इसके डिपार्टमेंटली। और एक बार एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है नॉवेल डोजेस फॉर्म, यानी जो नए ये तो भाई ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म है, मतलब ये आज से नहीं चल रहा है, ये कई सालों से यही चल रहा है, लोग यही चीजें खा रहे हैं। अब कुछ नई टेक्निक आई है पिछले 5-10 सालों में, कुछ नई टेक्निक आई है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉवेल डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो ये नॉवेल डोजेस फॉर्म जो है हम लोग उसको बात करेंगे। तो अभी क्या करना है, हमको सभी के बारे में क्या यूज करना है सबका, ये तो क्लासिफिकेशन हो, किस क्लास हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन सभी टैबलेट के, कैप्सूल के, पाउडर के, सभी के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और सबसे यही पूछे इस चैप्टर में यही है, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करना है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं एग्जाम में पूछेगा। और देखिए मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टैबलेट एग्जाम में बहुत आता है, कैप्सूल एग्जाम में बहुत आता है, इधर आ जाओ तो इधर सपोजिटरी एग्जाम में बहुत आता है, इधर सोल्यूशन, इधर इमल्सन, इधर सस्पेंशन और इधर एरोसॉल। ये 4-5 चीजें जो है एग्जाम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 याद कर लो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन, इसी का पूछे, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे नॉवेल डोजेस फॉर्म में, यानी 3 लेक्चर लेकर के हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।